ट्रिम वायरिंग के लिए लेंगे हम एक वायर जो कि इस टाइप की। इस वायर को कनेक्ट करेंगे हम स्विच के इनपुट टर्मिनल पे, ये सभी स्विच के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और इधर लगा इंडिकेटर, इंडिकेटर के भी एक टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ ये वाला टर्मिनल को टाइट करेंगे और ये वाले को अभी के लिए। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक ब्लू कलर की वायर, वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे। और वायर के दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे ये इधर ये वाले टर्मिनल पे, ये इंडिकेटर का टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स लेंगे हम एक रेड कलर की वायर जो कि ये पॉइंट वाली वायर, ये वाली वायर को कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। और अब लेंगे दो नंबर स्विच के लिए पॉइंट वाली वायर, पॉइंट वाली वायर को स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे एक रेड कलर की वायर, वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे, यहां पे कनेक्ट करेंगे इसको। और वायर के दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे। और अब फ्रेंड्स हम ये वाले स्विच के लिए पॉइंट वाली वायर लेंगे, हमारे घर में जो पॉइंट वाली वायर है वो वाली। ये फ्रेंड्स हमने पॉइंट वाली वायर कनेक्ट कर ली है, ये वाली यहाँ पे आ गई और ये तीन अलग अलग पॉइंट में चली गई, जैसे फैन में, ट्यूबलाइट में और बल्ब के लिए। और अब फ्रेंड्स हम पॉइंट के कनेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि हमने तीन बल्ब होल्डर लिए हैं और ये वाला पॉइंट ये वाले बल्ब होल्डर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पे हमने ब्लैक कलर की पहले से वायर कनेक्ट की है जो कि न्यूट्रल वाली, और ये पॉइंट वाली वायर स्विच से आएगी, ये डायरेक्ट बल्ब होल्डर में कनेक्ट होगी फेज वाले टर्मिनल पे। और इसको अच्छे से टाइट करेंगे, ये हो गया एक पॉइंट। आप चाहो तो सीलिंग फैन में कर सकते हैं, ट्यूबलाइट में और बल्ब होल्डर में। और अब ये वाले बल्ब होल्डर में दो नंबर पॉइंट की वायर, फेज वाली वायर जाएगी। सभी बल्ब होल्डर में न्यूट्रल वाली वायर हमने पहले से कनेक्ट की हुई है, ये हो गई दो नंबर बल्ब होल्डर की पॉइंट वाली वायर। इसकी कैनोपी को लगाएंगे। अब तीन नंबर पॉइंट वाली वायर ये वाली है, इसको तीन नंबर बल्ब होल्डर में कनेक्ट करेंगे। आपके यहाँ ट्यूबलाइट हो या फिर सीलिंग फैन हो, ये तीनों पॉइंट वाली वायर हमने कनेक्ट कर दी, चार, एक ये वाला भी पॉइंट है स्विच बोर्ड के अंदर।
ये फ्रेंड्स कैनोपी लगा दी है। और अब फ्रेंड्स हम पॉइंट के लिए जो न्यूट्रल जाएगा वो है ब्लैक कलर की वायर, ये वाली वायर को कनेक्ट करेंगे हम इंडिकेटर के न्यूट्रल टर्मिनल पे, जहाँ ब्लू कलर की वायर कनेक्ट की हुई है यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। और ये होगी फ्रेंड्स एक सिंपल वायरिंग। इसको रिमोट बनाने के लिए हम लेंगे एक येलो कलर की वायर, स्विच बोर्ड को रिमोट बनाने के लिए एक येलो कलर की वायर लेंगे। वायर को हम कनेक्ट करेंगे, पहले तो ये वाला जो टर्मिनल है इसको टाइट करेंगे और येलो वायर को कनेक्ट करेंगे आगे पॉइंट वाली वायर पे। यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करेंगे क्योंकि रिमोट में स्विच बोर्ड को रिमोट से ऑपरेट करेंगे, इसके लिए येलो कलर की वायर कनेक्ट की है। और ये एक पॉइंट हो गया जो कि रिमोट से ऑपरेट होने वाला है। अब एक लेंगे हम वाइट कलर की वायर जो कि कनेक्ट होगी ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, और अब ये वाले स्विच के लिए एक ब्लू कलर की वायर लेंगे जो कि ये है, इस वायर को कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। ये सभी वायर स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। स्विच बोर्ड की ऐसी वायरिंग करके हम स्विच बोर्ड को रिमोट से ऑपरेट कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स लेंगे हम एक ग्रीन कलर की वायर, ये वाली वायर को कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, और अब हम एक ब्लैक कलर की वायर लेंगे। ये वाली ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे, जहाँ ब्लू कलर की वायर कनेक्ट है इसी टर्मिनल पे ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको, और अब लेंगे एक रेड कलर की वायर, इस वायर को कनेक्ट करेंगे हम ये वाले स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। यहाँ पे ये वाली वायर को कनेक्ट करेंगे, और ये इनपुट टर्मिनल सभी टाइट करेंगे। अब ये फ्रेंड्स हमने येलो व्हाइट ब्लू और ग्रीन और रेड और ब्लैक कलर की वायर कनेक्ट कर ली है, और अब फ्रेंड्स हम इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए हम लेंगे रेड कलर की वायर, ये रेड वायर इनपुट फेज वाली है, इसको हम स्विच के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और ये हमने सिंगल कंडक्टर वायर लगा रखी है, ये सभी यहां से सभी स्विच में पावर कनेक्ट होगी। और इनपुट न्यूट्रल के लिए लेंगे हम एक ब्लू कलर की वायर जो कि ये है, ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे ब्लू वायर के साथ में, जहां ब्लू वायर कनेक्ट की हुई है ये ब्लू वायर यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं या यहां भी। हम ये वाले टर्मिनल पे इनपुट न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। अब ये ब्लैक वायर भी इसी के साथ में हमको रखनी है, हम इसी से रिमोट से ऑपरेट करने वाले हैं। अब ये फ्रेंड्स हो गई है वायरिंग। इसमें स्विच बोर्ड की हम ऐसे वायरिंग करके इसको रिमोट से ऑपरेट कर पाएंगे।
अब आप देखिए, इसमें हमने एक लगाया है रिमोट कंट्रोलर। कंट्रोलर ये जो है, ये चार चैनल का कंट्रोलर लगा है, जिसमें से ये ब्लैक और रेड कलर की वायर इसकी इनपुट, फेज और न्यूट्रल वाली वायर है, और ये आउटपुट है। इस कंट्रोलर पे हम लोड दे सकते हैं 10 एम्पियर। एक स्विच के ऊपर हम 10 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। ये इधर लगा है पावर सॉकेट, टू पिन सॉकेट लगाया हमने। और अब फ्रेंड्स, हम स्विच बोर्ड को सीधा करेंगे। ये स्विच बोर्ड हमने सीधा किया, कंट्रोलर बोर्ड के अंदर ही लग जाएगा। और स्विच को ऑफ करेंगे एक बार के लिए। इसमें सभी बल्ब होल्डर में अभी बल्ब को लगा लेते पहले। फ्रेंड्स, हमने बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा दिया, पावर ऑन कर दी है। और इसके साथ में ये रिमोट है, इसका चार चैनल का रिमोट है। हम अगर ये रिमोट से ऑपरेट करेंगे तो ये देखिए, सभी लाइटें रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। एक एक लाइट ऑपरेट करनी है तो ये वाला बल्ब हो गया, जैसे ये हमारा बल्ब का है, ये हो गया ट्यूबलाइट का, और ये सीलिंग फैन का, और ये वाला हो गया, ये इधर पावर सॉकेट लगा है, टू पिन सॉकेट लगाया हमने। आप 5 पिन सॉकेट भी लगा सकते हो। सॉकेट पे आप 10 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं और एक साथ सभी को ऑफ भी कर सकते हैं। और इस कंडीशन में आप इसको स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे ये वाला स्विच ये वाले का है, ये वाला और ये वाला और ये वाला ये है। अब ये देखिए, आप जैसे हमने वायरिंग की थी सेम वैसी वायरिंग है, इसमें कोई अलग नहीं है। ये इसका कंट्रोलर है जो कि लग जाएगा बोर्ड के अंदर में, बाहर दिखाई नहीं देगा। स्विच बोर्ड की ऐसे वायरिंग करके आप बोर्ड को रिमोट से ऑपरेट कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये जो रिमोट है, इसकी रेंज आपको मिल जाती है 50 मीटर के आसपास। जैसे अभी स्विच को हम ऑफ करेंगे और इससे ऑपरेट करेंगे, 50 मीटर तक आप रिमोट से ऑपरेट कर पाओगे। इसमें कोई मतलब दिखाने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं।